हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होलसम टेल्स। आज हम बनाने जा रहे हैं कोकोनट आलमंड कुकीज यूजिंग मिलेट्स। और आज मैं जो मिलेट्स यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ बार्नयार्ड मिलेट। आप कोई भी मिलेट इस पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा बाउल लिया, उसमें मैं 2 टेबलस्पून घी डाल रही हूँ। घी आपको सेमी सॉलिड कंडीशन में डालना है, लिक्विड घी नहीं डालना। आजकल गर्मियों का मौसम है तो आई विल प्रेफर कि इसको थोड़ा फ्रिज में रख दें आधा घंटा, ताकि ये सॉलिड स्टेट में आ जाए। और नेक्स्ट हमारी जा रही है 1/2 कप जैगरी पाउडर। जैगरी पाउडर जो होता है, कई बार अब समर्स का मौसम है या इवन विंटर्स में भी थोड़ी थोड़ी नोट्स बन जाती हैं उसमें, इसलिए हम इसको सिफ्ट करके डाल रहे हैं। कोई भी नोट्स होंगी तब हम इसको प्रेस करके निकाल देंगे। या आप ये भी कर सकते हैं कि जैगरी को यूज़ करने से पहले उसको मिक्सी में एक बार ब्लेंड कर लें तो सारी नोट्स निकल जाएंगी। अब इसको हम अच्छी तरह से विस्क करेंगे। इसको हमें 5 मिनट लगाना है, बहुत अच्छी तरह से विस्क करते जाएंगे कॉन्टीन्यूसली, जब तक ये क्रीमी टेक्सचर नहीं आ जाता। इसका टेक्सचर ये धीरे धीरे कलर चेंज करेगा, बिल्कुल पेल येलो कलर हो जाएगा। ये इसका इंडिकेशन है कि ये अच्छे से क्रीमी हो चुका है। और ये जब आप इसको उठाएंगे लिक्विड को, तो ये ड्रिप नहीं करना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में नहीं होना चाहिए, इट शुड बी क्रीमी। अगर ये आपका ड्रिप कर रहा है गर्मी की वजह से, तो आप थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख दें, फिर विस्क करेंगे तो ये ऐसे कंडीशन में आ जाएगा। ये हमारा अच्छे से अब विस्क हो चुका है। अब इसमें जाएगा बार्नयार्ड मिलेट का आटा, और आटा मैंने ये घर पे ही बनाया है। इसको मैं डालूँगी 1/2 कप, 1/2 कप बार्नयार्ड मिलेट का आटा जाएगा। और अब कोई भी मिलेट जो आपके पास आटे की फॉर्म में अवेलेबल है, कोई भी मिलेट इसमें यूज़ कर सकते हैं। माइनर मिलेट या न्यूट्रल मिलेट, इवन बाजरा, रागी या ज्वार, कोई भी मिलेट इस कुकीज़ में जा सकते हैं, सारे परफेक्टली ऑल राइट रहेंगे। और आटा को हमें हमेशा जब भी डालना है, जो भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप डाल रहे हो, हमेशा छान के डाल रहे हैं। इससे क्या होगा कि थोड़ा फ्लफीनेस आएगा बैटर में और थोड़ा सा एरेशन होगा इसमें। अगर आप डायरेक्टली डालेंगे तो थोड़ा वो आपको कुकी जैसा टेक्सचर नहीं देगा बाद में। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें जा रहा है, जो हमारा स्पेशल इंग्रेडिएंट है, वो है 1/2 कप कोकोनट का पाउडर, या कोकोनट का आटा भी बोल सकते हैं इसको। इसको भी मैंने घर पे तैयार किया है, कोकोनट को ग्रेट करके उसको इंडोर ही ड्राई किया था। ये मेनली इसमें 2 ही मेन इंग्रेडिएंट है हमारे, मिलेट का आटा और कोकोनट फ्लावर। और नेक्स्ट इसमें मैं डाल रही हूँ 1/4 कप बादाम का पाउडर। अब इसमें आप क्या है कि इसमें वेरिएशन लाने के लिए आप इवन काजू का आटा भी डाल सकते हैं, काजू को क्रश करके, या कोई और ड्राई फ्रूट जो आपको पसंद हो। लेकिन समर्स में जो है वो बादाम का आपको टेस्ट अच्छा लगेगा कुकीज़ में। अब इसको हम अच्छे से हाथों से कर लेंगे, लेकिन इसको कभी भी कुकीज़ के डो को कभी भी लाइक रोटी के डो की तरह गूंधना नहीं है। इसको आप बहुत हल्के से मिक्स कीजिए और सारे डो को इकट्ठा कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि बाइंड नहीं हो रहा है डो, मे बी कई बार टेम्परेचर वेरिएशन हो सकता है या आटे का सॉर्ट अलग अलग होता है, तो आप इस टाइम में 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर सकते हैं, तो बाइंड द फ्लावर। और अब जैसे मैंने पूरा बाइंड कर लिया, अब मैं इसको 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रखूँगी थोड़ा सेट होने के लिए। 30 मिनट्स हो चुके हैं, मैंने इसको फ्रिज में निकाला, बहुत अच्छे से सेट हो चुका है हमारा। अब मैं इसको जितने मुझे साइज़ की कुकीज़ चाहिए उतने साइज़ की मैं पहले बॉल्स बना रही हूँ। बॉल्स आप छोटी बड़ी बना सकते हैं, क्योंकि मैं इसको एयर फ्राई में बनाऊँगी, तो मैं थोड़ी सी छोटे साइज़ की कुकीज़ बना रही हूँ बॉल बना के इसको कुकी शेप में। लेकिन इसकी कुकीज़ आप मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि थोड़ी सी मोटी कुकी हो तो वो अच्छी रहेगी। बहुत ज़्यादा थिन जो हम आटा कुकीज़ नॉर्मली लोग बनाते हैं, थोड़ी सी थिन होती हैं, लेकिन थोड़ी सी हम इसको थिक रखेंगे कुकी को, बिकॉज कोकोनट बहुत अच्छी क्वांटिटी में हमने डाला है, तो उसका टेक्सचर ही थोड़ा सा थिक होगी कुकी तो अच्छा लगेगा।
मैं इसको एयर फ्राई में बना रही हूँ। मैंने क्या किया, इसको एयर फ्राई को पहले 10 मिनट्स के लिए 160 डिग्री पे प्री हीट कर लिया था और इसको मैं एयर फ्राई में लगा के 160 डिग्री पे ही पहले 10 मिनट्स के लिए रखूँगी। आप यहाँ पे कोई भी ओवन यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो, इवन माइक्रोवेव या ओवन। मैं माइक्रोवेव जनरली यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे पास एयर फ्रायर है तो मैं एयर फ्रायर में बना लेती हूँ कुकीज़। यहाँ पे मेरी कुकीज़ रेडी हो चुकी हैं, मैंने 10 मिनट्स इसको किया था। अगर 10 मिनट्स के बाद लगता है कि थोड़ी सी बनी नहीं है तो 2-3 मिनट और रख सकते हैं। बट इसका जो असली टेक्सचर है, जो हार्डनेस है, वो बिल्कुल ठंडा होने पे आएगी। जब आप इसको उठाते हो ओवन से तो सॉफ्ट होंगी थोड़ी सी, और इसको बिल्कुल कूल होने दें, बिल्कुल जब ठंडी हो जाए तभी आप इसको उठाएं और टेक्सचर बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज इसमें कोकोनट, आलमंड और हमारा मिलेट फ्लावर है। ये बहुत ही इजी 3 इंग्रेडिएंट रेसिपी है, ये आप ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे। और मैंने मिलेट की और रेसिपीज़ भी डाली हुई हैं होलसम टेल्स पे, उन सब के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। और अगर आपको मिलेट्स की और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिंक्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस रेसिपी एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।